आनंद, शुक्रिया न्यूज क्लिक से बात करने के लिए। आज आप लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई थी और जो लखीमपुर की जो पूरी हिंसा हुई है और उसकी जो पूरी घटना हुई और उसके बाद में आप लोगों ने कई कॉल दिए हैं, है ना, कार्यक्रम की कॉल दिए हैं, सारी चीज़ों की कॉल दिए। कॉल पे हम बाद में आएंगे। पहला जो चीज़ मैं जब आप लोगों के प्रेस कॉन्फ्रेंस को सुन रहा था तो ये बात समझ में आ रही थी जो आप लोग ये बार बार कह रहे थे कि जो सरकार है, जो बीजेपी है, वो बार बार वायलेंस को अपना टूल बना रही है टू सप्रेस द मूवमेंट। अगर मैं, क्योंकि हम आंदोलन कवर करते रहे हैं, तो हमने देखा कि JNU में भी ऐसा ही हुआ कि छात्रों पे हमला हुआ, उसके बाद में जो है चीज़ें एक स्टॉल पे आई। CA वाला जो आंदोलन हुआ उसमें दिल्ली में जो दंगे हुए उसमें जो है हिंसा का इस्तेमाल हुआ। अब इस वाले किसान वाले आंदोलन में अगर हम पूछें कि क्या आपको लगता है कि जो है हिंसा को दोबारा इस्तेमाल किया जा रहा है सप्रेस करने के लिए? ये सरकार 10 महीना शुरू से ही हमारा खिलाफ हमला किया, बदनाम किया, पाकिस्तानी खालिस्तानी बोला, मीडिया को इस्तेमाल करके हमको बदनाम किया, हमारा एकता तोड़ने का कोशिश किया, जात धर्म को इस्तेमाल करके विभेद करने का कोशिश किया। मगर 500 संगठन हम इकट्ठा है, हमको ना खरीद किया, किसी को ना खरीद कर सका, ना किसी को तोड़ सका। इसलिए जब देख रहा है किसी हालत में आंदोलन को तोड़ नहीं पा रहा है तो फ्रस्ट्रेटेड होके ये हमला का रास्ता ले, ये RSS का मूल रास्ता है, खून करो, ख़त्म करो, ये ख़त्म करने का रास्ता लिया है, ये इससे मर्डर करो किसानों को, वो डर जाएगा, डर से चला जाएगा। इसलिए पहले हरियाणा में, हरियाणा मुख्यमंत्री का निर्देश में एक हमारा किसान साथी को लाठी पीट के मर्डर किया, उसके बाद आसाम का मुख्यमंत्री का निर्देश में आसाम में दरंग में 2 किसान को मर्डर किया, अभी उत्तर प्रदेश में वही मुख्यमंत्री का इंटेलिजेंस मिलने से वो उसको हमको 5 लोग को मर्डर किया। तो अभी RSS शायद एक खून खराबी के रास्ते में जा रहा है। तो हमारा किसान सचेत है कि RSS का जो खून खराबी करके हमको ख़त्म करेगा तो ये किसान को ख़त्म नहीं कर, 90 करोड़ किसान कितना लोग को खून करेगा? 90 करोड़ किसान बोला हमारा मांग नहीं मिटने से हम नहीं हटेंगे। ये जो मजबूती है, इस मजबूती के साथ किसान लड़ रहा है, ये लड़ाई जारी रहेगा। और एक खून खराबी वो करे, RSS का लाइन है खून खराबी करना, रायट करना, दंगा करना, उससे डराना, टेरर पैदा करना, ये किसान के साथ एक कामयाब नहीं होगा। कल जब हम न्यूज़ रिपोर्ट्स देख रहे थे तो हम पा रहे थे कि एक दिन पहले जो है आशीष मिश्रा को जो है समन किया गया, फिर बाद में कल दोबारा समन किया गया, आज बुलाया है बातचीत के लिए। आप लोग जब कह रहे थे कि भैया जो मर्डर का अक्यूज है उससे आप क्या बातचीत करेंगे, क्या क्या कहना चाह रहे हैं? तो मेरा कहना यही है, वही दूसरे कोई अपराधी होता तो घिसट के ले जाता, तो मिनिस्टर का बेटा है, सरकार और मिनिस्टर का सरकार है, इसलिए एक क्रिमिनल को एक सुविधा दिया जा रहा है। एक सुविधा क्रिमिनल को कोई सुविधा देना नहीं चाहिए, उसको इमीडिएटली अरेस्ट करके उसके खिलाफ मुकदमा जारी करना चाहिए और उसको जो मर्डर केस का जो सजा है उसको सजा देना चाहिए। मगर उसको दामाद की तरह बहुत प्यार से उसके साथ इस्तेमाल किया जाता है। ये BJP सरकार है, आज मोदी योगी सरकार खुद अपने के खिलाफ जो क्रिमिनल केस था उठा लिया, 70 जो क्रिमिनल था उसके केस उठा लिया। सुप्रीम कोर्ट भी खुश नहीं है, सुप्रीम कोर्ट बोला इसमें बहुत लोग था जिसको मर्डर केस था, जिसको फांसी हो सकता था, जबरजमन जेल होना चाहिए था, ऐसा किस विद्रोह किया, ऑर्डिनरी केस नहीं है। तो वो अपना तरीका से एनकाउंटर के नाम में कितना लोग को मारा, एक लड़की को बलात्कार के मारा, उसको बॉडी जला दिया, माँ परिवार को ना दी, ये योगी सरकार का चरित्र तो साफ है, हिंसा है और डराना है, टेरर पैदा करना है। इसी रास्ता में लखीमपुर में उसका मंत्री ने अपना बेटा से खुद बोला हम सबक सिखाएंगे, मारेंगे और उसके बाद आखिर में जाके अपना बेटा और गुंडा RSS को देके एक किसान पर गाड़ी चलाया और 5 किसान को हत्या किया। आपने सुप्रीम कोर्ट की बात की, जब अभी एक दिन पहले जो उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से एक ऑर्डर आया है जिसमें उन्होंने जुडिशियल कमीशन बिठाया है, क्या आप लोग जुडिशियल कमीशन के फॉर्मेशन से? ये कमीशन में हम खुश नहीं है, हम मांग किया था एक सुप्रीम कोर्ट के जज के निगरानी में एक SIT होना चाहिए और SIT उसको सुप्रीम कोर्ट के निगरानी में इंक्वायरी कर, मगर ये अलग है, ये हाई कोर्ट का रिटायर्ड जज के देके ये किया है, कहाँ तक जाएगा मालूम नहीं है। हम चाहते हैं, हमारा मांग वही है, सिटिंग जज के निगरानी में SIT होना चाहिए और SIT वही SIT इसको इंक्वायरी करना चाहिए, ये हमारा। एक चीज़ अब आते हैं हम कॉल वाले सवाल पे, क्या आप लोगों का कॉल है
मतलब कि आप लोग क्या करने वाले हैं, क्योंकि लोगों में गुस्सा तो बहुत है। 10 महीना हो गया हमको रोज कुछ ना कुछ कॉल देना पड़ेगा, नहीं तो आंदोलन को जिंदा रखना है। कुछ दिन पहले भारत बंद हो गया, तो इस तरह आंदोलन हमको चलता रहेगा। मगर इसके बीच में लखीमपुर जो हत्या हो गया, इस हत्या के खिलाफ भी हम आंदोलन, एक ब्रांच आंदोलन खुल गया। मेन आंदोलन चल रहा था पूरा देश में, तीन कई शाखाएं खुल गई, शाखाएं खुल गए, शाखाएं खुल गए, हरियाणा में खुल गया शाखाएं, हम लड़ाई लड़ा उसको क्षतिपूर्ति किया, असम में आंदोलन कर रहा है खून के खिलाफ, ये भी आ गया। यहाँ हमारा मांग है, पहले प्रोग्राम है 12 तारीख को अक्टूबर में, उसका भोग का दिवस है जो अंतिम अंतिम अरदास, तो 5 के अंतिम अरदास वहाँ होगा, उसमें हम किसानों को आने के लिए बोल रहे हैं, उसका श्रद्धांजलि दिया जाएगा। और उसी दिन पूरा देश में हम अपील करेगा किसानों को जो अपना अपना जगह में श्रद्धांजलि दे, एक है। दूसरे है हम वहाँ कलश यात्रा करेंगे, उसका अस्थि जो है उसको लेके कलश भेजेंगे यूपी का 75 जिला, और हर स्टेट में एक एक कलश जाएगा और राज्यों में घूम के 24 तारीख का घूम के इलाका में दिखाएगा, देखो किसान को बीजेपी सरकार मारा है, उसका अस्थि है, तो एक पूरा देश में बीजेपी के चरित्र को उजागर होगा। तीसरा होगा हमारा 15 तारीख जो दशहरा है, दशहरा में हम अमंगल को जलाता है, हमारा देश में सबसे बड़ा अमंगल मोदी जोगी है, इसको जो एफिजी जला के ये पूरा देश को किसान को बोला ये जो पाप है हिंदुस्तान का, ये पाप को जला। और उसके बाद 18 तारीख होगा अक्टूबर का, सुबह 8 बजे से लेकर 4 बजे तक रेल रोको होगा, सेंट्रल गवर्नमेंट के खिलाफ भी कुछ एक्शन होना चाहिए, इसलिए 18 तारीख रेल रोको होगा। और आखिर में इस महीना का 26 अक्टूबर लखनऊ में बड़ा रैली होगा, दिल्ली लखनऊ चलो महापंचायत होगा, जैसा मुजफ्फरनगर में हुआ था, लाखों लोग आया था, यहाँ भी बड़ा लोग आएगा, यूपी का सेंटर है लखनऊ, तो वहाँ से पूरा देश में बात फैलाएगा, इसलिए वहाँ महापंचायत। जब हम इस आंदोलन की बात करें, लखीमपुर खीरी की बात कर रहे हैं, तो हमने तमाम न्यूज़ रिपोर्ट देखी है, और वहाँ पे कुछ सजेस्ट ये किया जा रहा था कि कुछ सिंगुलर नेताओं नेता थे जिनको आगे करके जो है सरकार जो है इस नतीजे पे झूठ है। सुनो क्या हुआ, क्या ये झूठ है, ये आरएसएस ये झूठ प्रचार करने में माहिर है। आपको मालूम है 1 घंटा में आरएसएस ने पूरा देश का गणेश को दूध पिला दिया था, ये झूठ प्रचार करने का मशीनरी इसको बहुत, ये हमारे को बदनाम किया, बदनाम करके हमको अलग थलग कर नहीं पा रहा है, हमको बांट नहीं पा रहा है, हमको हरा नहीं पा रहा है, तो क्या किया, हमारा नेता को डिमोलिश करो एक एक, आज ये नेता खराब है कल वो नेता खराब है, इसका बदनाम करके उसको डिमोलिश कर, तो आंदोलन को तोड़ने के लिए नेता के पीछे लगा है, ये सरासर झूठ है। जब एक घटना घटे है तभी हमारा एसकेएम बैठ के मांग तय कर दिया, इसको पद त्याग पत्र दो, इसको गिरफ्तार करो, फैमिली की क्षतिपूर्ति करो, ये सब मांग ऐलान कर दिया 6 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस पर। उसी मांग को दायरे में वहाँ जहाँ पहुँचा था जो एसकेएम का लीडर, उसी के दायरे में बातचीत करके सुलझाया है, कोई सवाल नहीं है उसके, कोई ऐसा नहीं है, वो जो हमारा एसकेएम का जो निर्देश है उसी का साथ तालमेल रख के किया है। और आरएसएस के साथ बीजेपी का जो प्रचार है और मीडिया हमको बदनाम करने का जो साजिश कर रहा है, ये साजिश बिल्कुल झूठ है। शुक्रिया बात करने के।